2022 तक देश के किसान की आय दुगनी करने के लिए मोदी सरकार ने किसानों के लिए केंद्र से थोक में बजट जारी किया है। ये बात प्रेस वार्ता के दौरान किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष देवेंद्र कुनपुरी ने कही। उन्होंने कहा कि जिस तरह से किसान अपने घर के सदस्यों का मोबाइल नंबर याद रखता है, उसी तरह से कृषि विभाग के SMS और ADO का नंबर भी किसान याद रखे। उन्होंने कहा कि किसान कृषि योजनाओं को अपने घर द्वार तक प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना हिमाचल में पहली बार भाजपा सरकार ने शुरू की थी। 3 साल पहले शुरू की गई इस योजना से केवल सोलन जिला में ही 304 किसानों ने इसका लाभ प्राप्त किया है। इस योजना पर 6,73,00,000 रुपए खर्च हो चुके हैं। जिला में किसानों को छोटे ट्रैक्टर नहीं मिलते थे, इस सरकार ने माकुल मात्रा में उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। 3 वर्ष में जिला सोलन में ही 1,022 किसानों को 2,60,00,000 की लागत से छोटे ट्रैक्टर दिए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि टोका मशीन के लिए 3 वर्ष में 3,59,00,000 का बजट प्रदेश में किसानों को दिया गया है, जिसके तहत 7,603 टोका मशीन किसानों को दिए जा चुके हैं। घास काटने की मशीन 435 किसानों को 43,45,000 रुपए खर्च किए जा चुके हैं। देश के हमारे जो सरकार के मुखिया हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनका एक लक्ष्य है कि सन 2022 तक किसान की जो आय है वो दोगुनी हो। इसी बात को देखते हुए हम हिमाचल प्रदेश सरकार जो लक्ष्य हमारा 2022 का है, उसमें सोलन जिले के आंकड़े लेकर के हम आज आए हैं किसानों के लिए। हमारा 3 साल पहले मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना पहली बार हिमाचल प्रदेश में राज्य के हमारे जो मुखिया हैं सरकार के, जयराम ठाकुर जी ने लागू की थी। हमारा ये कहना है कि सोलन जिला में अभी तक 3 साल में यहाँ पर लगभग 6,73,00,000 रुपए खर्च इसके लिए हुआ है और 304 किसान की जो फेंसिंग, सोलर फेंसिंग वो हुई है जिला के अंदर, जिला का आंकड़ा है। इसके अलावा छोटे जो ट्रैक्टर है उसमें 1,022 किसानों को सब्सिडाइज ट्रैक्टर यहाँ दिया गया है। काफ़ी योजनाएँ हैं। मेरा इतना कहना इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए है कि जो किसान है हमारा, उसका जो लिंक है, जैसे किसान अपने परिवार में सदस्यों का मोबाइल नंबर रखता है, मेरा यह कहना है कि किसान हमारा SMS है एग्रीकल्चर विभाग का, हॉर्टिकल्चर विभाग का SMS और ADO है, उनका वो फ़ोन नंबर अपने पास रखे। बहुत सारी योजनाएं ब्लॉक के अंदर आई हैं, उनके वो फ़ोन करके उसका लाभ ले सकता है या खुद जाकर कार्यालय में उसका जो लाभ, काफ़ी योजनाएँ हैं सब्सिडाइज सरकार किसानों को कर रही है।